सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्डर विद अखिल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन अ शॉर्ट ट्रिप विद मी टू जम्मूज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक एंड अ वेरी डिवाइन प्लेस देवी पिंडियाज। स्पेशली दिस प्लेस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। सो लेट्स गो ऑन दिस जर्नी विद मी टू एक्सपीरियंस द सीनिक ब्यूटी एंड द डिवाइन वाइब्स एट देवी पिंडिया। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें देवी पिंडिया का ट्रैक स्टार्ट करना है। यहां स्टार्टिंग का रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है। जहां पर ढलाई है एक्चुअल में आपको एक पहाड़ से नीचे उतरना है, देन आगे जो देवी पिंडिया का पूरा ट्रैक है वो एकदम प्लेन है। बट अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं जो शायद यहां के ही रहने वाले हैं, वो कितना फास्ट यहां से नीचे जा रहे हैं, आपको लगेगा कि मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया। तो ये करीब 5 किलोमीटर का ट्रेल है जहाँ पर आपको बहुत सारी सीनिक ब्यूटी मिलेगी। अगर आप इस साइड देखोगे यहाँ पे भी पहाड़ी पहाड़ है। और सबसे अद्भुत बात जो इस ट्रेल की मुझे लगती है, आपके साथ पूरे रास्ते ऐसे एक पानी रहने वाला है। Look at the thumb rule of nature, how this lamb is following his mother. Kitna cute hai. Wow. Le. Kabhi kabhi main aisi life chahta hu. No mites jaisi. पीने को फ्रेश पानी है, इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं, इतना सुंदर व्यू है, और क्या चाहिए इंसान को। एकदम शांति, शुद्ध हवा। यू कैन हियर द साउंड ऑफ वाटर। सो गाइस, वी आर जस्ट अबाउट टू रीच अवर डेस्टिनेशन। हमें वो यहाँ नीचे से ऊपर आने में 5 किलोमीटर्स कवर करने में अराउंड 40 to 50 मिनट्स लग गए, क्योंकि हम बीच में वीडियोस वगैरह बनाते हुए भी आ रहे थे। बट लुक एट दिस माइटी माउंटेन्स दैट डोंट इवन अलाउ द सनलाइट टू फॉल हियर। आई कांट इवन बिलीव कि ये वही जगह है जो मैंने आज से 6-7 साल पहले विजिट करी थी। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। पहले ये स्टेयर्स नहीं थी, वहाँ से जाना पड़ता था। अ लॉट हैज़ बीन चेंज्ड टिल देन। जस्ट अमेजिंग, इतना दूर पहाड़ों पे भी आकर डेवलपमेंट होना, इट्स रियली अप्रिशिएबल। ओह माय गॉड, वाओ, जस्ट लुक एट द ब्यूटी गाइस। Just look at the resources that our mother nature provides us. Look at the clarity and the purity of water. Wonderful. It is such clear guys, even you can count the pebbles that are laying down the water. Just look at the clarity. Literally the water is freezing cold. Itna thanda pani hai na, even I'm not able to resist the water. नहाने के बाद फ्रेश होकर इतना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है ना, अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने। हिस्ट्री क्या है यहाँ के? यही माँ वैष्णो देवी है, ये दरबार है ना जी, इतने कि माँ 9 महीने एकांत विच बसिया करती है। अच्छा, 600 महीने नवरात्रे 3 महीने वास्ते जी दरबार प्रधान।
मतलब 12 में से 9 महीने यहाँ पर, 3 वहाँ वैष्णो देवी। इसी के साथ साथ यहाँ पर माता रानी की एक प्राचीन गुफा भी है, कहते हैं जहाँ पर माता रानी 9-12 में से 9 महीने आकर तपस्या करते हैं। एंड यहाँ अंदर बैठ के मन को इतनी शांति मिल रही थी और इतना शांति का अनुभव हो रहा था। तो जस्ट गाइस अभी माता जी के दर्शन करके निकले हैं, आपको बता नहीं सकता मुझे कितना डिवाइन फील हो रहा अंदर से और कितना मतलब पीसफुल लग रहा है इस टाइम पे। यहाँ के वाइब्स इतने अच्छे हैं और मतलब अंदर ऐसा लग रहा था कि सच में कोई ऐसी पावर है जो कि हमें मतलब जिसने हमें अट्रैक्ट किया या जो हमें देख रही है। इतना माइंड को इतना रिलैक्स फील हुआ ना वहाँ पर। तो अभी बस वहाँ से माता की ब्लेसिंग्स लेके अभी बस घर को जाएंगे वापस। बट इट वॉज रियली एटर्नल फील। वापस जाते जाते मुझे एक मिली है वाइल्ड बेरी, जिसका मुझे लास्ट ईयर ही पता चला था। अगर आपने मेरा पत्नी टॉप वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इसको यहाँ पर मेनली लोग वाइल्ड स्ट्रॉबेरी कहते हैं, पर इसके अपने लोकल नेम्स होते हैं। तो इसको खा भी सकते हो। एकदम टेस्टी होती है, एक बार वहाँ पे लगी हुई है मैं आपको बताता हूँ। नेचर आपको हर चीज़ फ्री प्रोवाइड करता है, इट्स जस्ट आप उसको अच्छे से यूज़ करो। जैसे कि एक ये है, एक ये, अगर आप इसको देखोगे तो ये नेचुरली ही ग्रो होती हैं हर जगह, तभी इनको वाइल्ड कहते हैं, वाइल्ड बेरीज या वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। आप इसको यूजुअली इसकी आप फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकते। एंड दीज आर हाईली न्यूट्रिशियस, अमेजिंग। हम सुबह आए थे अर्ली मॉर्निंग, करीब 7:30 बजे के हम यहाँ पहुँच चुके थे और अभी करीब 12 बज रहे हैं। और आप मेरे पीछे ये पार्किंग देख सकते हो, अब इतना ज़्यादा क्राउड आया है और आप देख सकते हो इतनी तेज़ धूप है। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप जब भी आओ आप प्लान करो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, ताकि करीब 8-9 बजे के करीब आप यहाँ पहुँच जाओ और 11 बजे के करीब ठंडी धूप में ही आप सारा ट्रेल कवर कर लो।